वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। दफा 144 में तरमीम कर दी गई। वज़ीर-ए-आला ने फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत की है। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का 12वां इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बड़े फैसले और अहम प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। इजलास में फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत की गई। चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंटर्नशिप शुरू करने की मंजूरी दी गई, जबकि तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप शुरू करने की हिदायत दी गई। इजलास में मुख्तलिफ अज़ला में 80 अरब रुपए के 3000 प्रोजेक्ट्स का जामिया प्लान पेश किया गया। इजलास में ई बाइक के इंश्योरेंस के सिवा बाकी तमाम चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत जारी की गई। इजलास में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हायर और स्कूल एजुकेशन ई ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि 2000 तलबा के लिए 3 माह की इंटर्नशिप की मंजूरी, जबकि महाना 25000 मिलेगा। इजलास में ई बाइक स्कीम में मजीद 10000 इलेक्ट्रिक बाइक शामिल करने की मंजूरी भी दी गई। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी सूबाई, जिली और तहसील की सतह पर काम करेगी। इजलास में जाब्ता फौजदारी 1898 के तहत दफा 144 में तरामीम की मंजूरी दी गई, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर 30 दिन, होम सेक्रेटरी 6 दिन और काबीना ज्यादा मुद्दत के लिए दफा 144 का नफाज कर सकेगी। फसीउल्लाह, GNN लाहौर।